आ गए। अरे कम हो गए बच्चे यहाँ। अच्छा आवाज बराबर आ रही नहीं बच्चों आप लोगों को? हाँ बताइए आ रही है ना बराबर आवाज? स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं और उसके बाद और भी आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस टुडे क्लास, ठीक है ना? तो आराम से देखते हैं। MSTCET 2019। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नहीं अपन ने, याद है आप लोगों को? चलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा इसको क्वेश्चन। ट्राई करना चाहेंगे कि मैं बताऊं डायरेक्ट? बट ज्यादा समय नहीं दूंगा, फटाफट ट्राई करो। आप ट्राई करना चाहते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को? रेज हैंड कर दीजिए कि सर ट्राई करना चाहते हैं। चलो ट्राई करो, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई। चलिए ट्राई करिए। आया क्या? ट्राई करिए एक बार। ऑप्शन डी। और बताइए, और बताइए, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। और बताइए एनीबडी एल्स? फटाफट टाइम, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा कम बर्बाद हो और आप सॉल्व भी कर लो, तो इसीलिए फटाफट आंसर बताइए।
चलिए ठीक है ना, दो लोगों का आंसर सही आया है, चैतन्या का और मनीष का, ठीक है ना। बाकी लोग, आप दोनों बच्चों का आंसर रहा, तन्मय आपका भी आंसर सही है। देखो बच्चे, थीटा की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, टेन 17 पाई बाई 3 जैस एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, अभी से एक एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम सो ग्लैड बच्चे आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है आंसर बच्चों का आता है तो। अब यहाँ पे देखिए 17 पाई बाई 3, अगर 18 पाई बाई 3 होता, 18 पाई बाई तो 6 पाई होता, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, ये एलसीएम लो तो 18 माइनस 1 17, और सेम चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 3। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही मेन चीज है, 6 में से 1 6 पाई माइनस पाई बाई, तो ये एलसीएम लोगे तो 18 पाई माइनस पाई तो 17 पाई। अब आप जानते हो बच्चे, मैंने आपको सिखाया था 6 पाई जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट पे लाई करता था, याद है पुराने दिन, और 6 पाई मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, और इस क्वाड्रेंट में ASTC टैन क्या हो जाता है 6 पाई, पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता लेकिन नेगेटिव होगा यहाँ पे, इधर माइनस टैन पाई बाई 3, और यहाँ पे कॉट भी क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉट पाई बाई 3, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, टेन ये पाई बाई 3 मतलब 60, तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, और यहाँ पे कॉट 60 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, आंसर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट 3। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। कितने लोगों का आंसर आ गया था, नहीं ये चार पांच लोग के अलावा, ये चार पांच लोगों के अलावा किसी और का आंसर आ गया था वो बता नहीं पाए मुझे अभी तक। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है क्लासरूम में आपको, मैं बस ये आज दिखाना चाहता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कितना ईजी आते हैं, बस कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा होना चाहिए। अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा होना चाहिए। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आप मैसेज में रिप्लाई करो प्लीज बच्चे, यस या नो, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट थिंक सो, इतना क्वेश्चंस इसमें करा है हम लोगों को कि डाउट नहीं होना चाहिए, क्वाइट इजी फॉर अस। देखो ना कितना इजीली अपन इंटरेस्टली आराम से क्वेश्चंस को हमने कर लिया, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया, और एनीबॉडी एल्स, हर्षल, दीपाली बच्चे और बाकी सभी को समझ में आ गया बच्चे ये क्वेश्चन। चलो तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन MSCET 2019, MSTCET 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करिए सभी लोग फटाफट, माइनस 2 ब्रैकेट में cos 60 माइनस cos 10 cos 80 अपॉन 2 sin 4। बताइए बताइए एवरीबॉडी, मैं सॉल्व करूं कि आप सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ना। ट्राई करो, आज कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं, एक दो बच्चे आज उनका फर्स्ट डे है क्या, कोई बच्चा जिसका फर्स्ट डे है सो काइंडली मैसेज मी। जिसका फर्स्ट डे है नीरज आई थिंक और जगदीश है, आपका फर्स्ट डे बच्चे,
जगदीश, आज की क्लास आपका बच्चे? हाँ चलिए, कितने लोग का आंसर आ गया? फटाफट फटाफट सभी लोग बताइए, कितने बच्चे का आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कितने बच्चों का आ गया? इतना टाइम मत लगाइए बच्चे। ऑप्शन बी, इफ समबडी इज टेलिंग मी ऑप्शन बी, मनीष मनीष बता रहे हैं। और बताइए, और कोई? और किसी का आंसर आया बच्चे? अदिति ऑप्शन बी। चलो देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन 30 के इक्वल है 1/2, और यहाँ कॉस 80 ही चला अपॉन 2 से। मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा था, मैं चाहूं तो कैंसिल भी कर सकता था। अब यहां से ओपन किया तो ये क्या हुआ, -2 1/2, ये +2 और cos 80 अपॉन 2 sin 10, ये कैंसिल हो जाएगा ये -1 और प्लस, अच्छा, आगे कैसे होगा बताइए आगे कैसे होगा? आगे कैसे होगा बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, अच्छा, उसके बाद क्या होगा बच्चे? साइन 80 को साइन 10 लिख दिया, -1 प्लस, यहां पे कुछ रॉन्ग नहीं है ना, -2 और यहाँ पे +2 अपॉन 2 साइन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस 90 -10, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कैसे कैंसिल हो गया ये कैसे कैंसिल हो गया? मेरे को लग रहा है मैंने क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लिखा है। अब कैसे कैंसिल होगा बच्चे बताइए? ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूं। कहाँ पे, एक मिनट, अच्छा
मैंने आपसे बोला ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा माय मिस्टेक। यहाँ पे इसके पहले वन भी है, फिर आप लोगों को रॉन्ग क्वेश्चन पे कैसे राइट आंसर आ जाता, आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना। वही मैंने कहा यहाँ पे सर्कल किया था तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आप लोगों को रॉन्ग क्वेश्चन पे राइट आंसर कैसे आ जाता है, कहाँ कैंसिल हो रहा है? कॉस 80 को आपने कैसे लिखा, 80 को आप 90-10 लिखोगे कि नहीं? और 90-10 80 होता है, तो कॉस 90-थीटा साइन थीटा होता है। बात समझ में आया कि नहीं मेरी बात? तो ये कैसे कैंसिल हुआ आपका? यहाँ पे वन था वो मिसिंग था मेरे से, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन पे आंसर आना मतलब आपने कॉन्सेप्ट गलत यूज किया बच्चे। आई डोंट नो आपके कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस से पता चल जानी चाहिए कि आपका क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना एक्चुअली। मैं कॉन्फिडेंट था कि कहीं रॉन्ग है, अब सही। यहाँ पे वन मिसिंग, सर्कल कर रहा था, 1-2 कॉस इतना। अभी समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लो। ये 1-, ये था तो मैंने इसको 2, इसको 1/2 लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये 2 × 1/2, ये +2 इतना, ये कैंसिल, तो 1 कैंसिल। अब ये 2 cos 80 और 2 sin 80, 2 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे cos 90-10 कितना हो जाएगा? 80 को भाई 90-10 ही तो लिखोगे, और cos 90-10 क्या होता है? 90-θ sin थीटा, sin 10 कैंसिल, तो ये 2 2 भी कैंसिल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1। अब समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यस या नो? मैं जबरदस्ती बता रहे थे, जबरदस्ती, ठीक है ना बच्चे। वहां पे वन मिसिंग था इसीलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा था, वन कैंसिल नहीं हो रहा था, ये कैसे? अच्छा, कुछ लोग पता क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे -1 लिखा था तो ये कैंसिल कर दे, वो तो वही वाली तरीका हो गया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि 5 और ये 10, तो ये ऐसे कैंसिल कर दो, ठीक है ना। ऐसा ऐसा नहीं करते, ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स, ठीक है। अपन प्रैक्टिस करने से तुरंत पता चल जाता बच्चे कहाँ रॉन्ग है। देखो मैंने तुरंत जज किया कि क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अभी राइट हो गया, वहां पे 1 करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 MSTCT 2018 में आ रखा है। टाइप करते समय मिस्टेक हो जाती है, ट्राई करेंगे आप लोग। ये सोच रहे हैं कि कैसे बनेगा, आप भी सोचिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत डिफरेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखा है, और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। MSTCT 2018 फटाफट देखिए, आगे बहुत से क्वेश्चन करने हैं, अभी मेन्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एडवांस के भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्लास आज की। बताइए बताइए बताइए, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? <coughs> 2018 में काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं। ट्राई करिए जल्दी से।
क्या आंसर आएगा इसका? क्या 90 किस पे है? क्या पूछ रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आया। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन सही है ठीक है ना, हर बार रॉन्ग नहीं होगा, मिस्टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, then cot A cot B plus cot B cot C plus cot A cot C, ठीक है? कुछ नहीं बोला है बच्चे। उसके बाद थीटा कहाँ पे? ये थीटा नहीं, ये जीरो लिखा है, वो थीटा दिख रहा है, वो टाइपिंग में इस तरह के फॉन्ट साइज में वो जीरो, थीटा ऐसे, ये जीरो है बच्चे। अब ये थीटा मत समझिए ऑप्शन को, वो जो इस तरह की जो ये मैं वो लेता हूं ना, क्या बोलते हैं फॉन्ट, फॉन्ट समझ में आ गया ना वो डाउट? वो जीरो है, थीटा रहता तो ऐसा रहता थीटा, मैं बता दूंगा कैसा थीटा रहता। आया क्या किसी को? तभी तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है आपको, ये फिगर देख रहे हैं आप, सोचिए ऐसा सर पे। अच्छा हिंट दो, चलिए देखिए हिंट क्या दे रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व ही कर रहा हूं बच्चे। देखो एबीसी अ एंगल है और फिर ट्राइंगल, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? किससे? एंगल सम से। अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। आज समझ में आया कि नहीं? ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक सो। अब दोनों साइड टैन लेंगे, दोनों साइड टैन लेंगे। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक दिन, आपको याद होगा तो, ठीक है ना? इस तरह का क्वेश्चन था और वो प्रूविंग के नाम पे दिया था मैंने उसको, और हम अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आप लोगों ने पूछा नहीं, आज उसकी तभी जरूरत पड़ गई। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन 180 माइनस सी, बराबर है कि नहीं? अब ये टेन 180 माइनस सी का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? टेन 180 माइनस सी क्या होता है बताइए? अच्छा सॉरी, टेन नहीं, टेन नहीं, सॉरी, दोनों साइड टेन नहीं लेंगे, कॉट लेंगे, कॉट लेंगे। क्यों टेन नहीं लेंगे? क्योंकि ऑप्शन में कॉट, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में कॉट दे रखा है। तो मैं दोनों साइड कॉट लेंगे, अब बताइए कॉट 90, 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन और साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो माइनस कॉट सी हो जाएगा, ठीक है ना? ये पता है ना आपको, कॉट्स माइनस कॉट्स ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे ना, 180 पे चेंज नहीं होता है और कॉट कॉट में ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, अब कॉट ए प्लस बी का मैंने आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता था? कॉट ए फॉर्मूले सब याद रखिए आप लोग, ठीक है ना? कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट सी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे कॉट सी और कॉट बी, ठीक है, माइनस में और माइनस में कॉट सी और कॉट ए, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये दोनों नेगेटिव इधर आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, आंसर कितना हो गया? 1, ये इधर ट्रांसपोज हो गया ऑप्शन नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, देखा आपने इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप कहोगे आपकी, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये करना है?
ये आप मुझसे पूछ सकते हो, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं खुद ही आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसा आप कर सकते हो। सर आपको कैसे पता चला या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है? तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चे, प्रैक्टिस होगा तभी आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी इधर है, कॉट चाहिए। तो मैंने पहले देखिए टैन लिया था गलती से, फिर मैंने कहा नहीं टैन नहीं कॉट लेना है, क्योंकि कॉट में आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में कॉट वाले टर्म दे रखे हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ी मैथमेटिक्स इसीलिए हार्ड हो जाती है क्योंकि आगे के बारे में प्रिडिक्ट करना पड़ता है हमको, प्रिडिक्शन होता है बच्चे में। मैथमेटिक्स अगर कोई दूसरा नाम मुझे दे तो मैं कहूंगा उसको मेरा खुद का ओपिनियन है कि प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना, इट्स अ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अनुमान लगा लिया, क्वेश्चन नंबर थ्री बन गया। किसी को डाउट है थर्ड नंबर में? सो शैल वी मूव ऑन अ फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज हरी अप। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, थर्ड नंबर समझ में आ गया ना, इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, वन आंसर हो गया, सॉल्व वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एमएसटी सीटी 2018, आपको मैं ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चले कि जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वी हैव टू बी टू कॉन्शियस, हमें बहुत ध्यान से बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कहोगे तो एमएससी टी के क्वेश्चन है सर आसान आते हैं, अभी देखो मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन देखना हंसी आएगी आपको अभी देख के, बट ऑप्शन चक्कर वहां पे बस ये प्रॉब्लम बसता है कि मल्टीपल च्वाइस हो जाता है। अभी देखना अभी आगे आ रहा है, टोटल 10-11 क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, ट्राई करना चाहेंगे कि मैं बताऊं। और मैंने वही क्वेश्चन अभी किए हैं आज की क्लास में, जो जितना टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है, बहुत से क्वेश्चन मैंने छोड़ा है अभी तक, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, ठीक है ना। ट्राई करेंगे, करिए फटाफट ट्राई करिए, नो डाउट मैं आपको चाहूंगा ही सब क्वेश्चन आप ट्राई करिए बच्चे, मैं तो बता ही दूंगा आपको। क्योंकि अपन तो इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं, इतना बार पढ़ाते हैं, तो याद हो जाती है चीजें कैसे क्वेश्चन ये करना है। पर्टिकुलरली आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन को नए की तरह ट्रीट करिए एंड थिंक ऑफ अबाउट दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, फटाफट थोड़ा सा फास्ट करिए। और जो भी आपको पढ़ाया है वही पे है अभी, क्या है वो आप देखिए, आपकी हेडेक। मैं बस सोर्स से क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ कहीं रॉन्ग ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जैसा सही है, बराबर क्वेश्चन। बताइए, हाँ जगदीश बच्ची, कुछ डाउट है क्या आपको? जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बीच में टॉपिक चल रहा है बच्चे, ठीक है ना, तो आप उससे एक बार बात करना तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी थोड़ा आपको आया किसी का, किसी बच्चे का आया आंसर? क्या करेंगे, हिंट दीजिए आप मुझे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सॉल्व कर लेंगे, हिंट दीजिए। हाँ जयस आपका,
चलिए देखिए, देखो बच्चे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको वही वाली बात, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नहीं साइन थीटा कॉस पाई बाई थ्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, बराबर है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस पाई बाई सिक्स आगे देखिए, अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता, आपको याद है फॉर्मूले, साइन थीटा साइन पाई बाई सिक्स, मतलब बहुत रिलैक्स होके बिंदास होके क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। कॉस पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है कौन बताएगा, कॉस सिक्सटी वन बाई टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस यहां से भी टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट रूट थ्री कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, वन बाई टू कॉमन ले लेता हूं या नहीं लेता हूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन को एक तरफ कॉस को एक तरफ वैसे भी भेजना है, तभी तो टैन आएगा, तो ये रूट थ्री बाई टू कॉस थीटा प्लस वन बाई टू साइन थीटा। अब ये साइन इधर चला जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन वन बाय टू साइन थीटा, तो आंसर वन बाय टू साइन थीटा आएगा, और ये इधर चला जाएगा तो रूट थ्री अपॉन टू कॉस थीटा और माइनस रूट थ्री कॉस थीटा, ये वन बाय टू साइन थीटा, यहां से रूट थ्री कॉमा ले लो, तो ये कॉस थीटा और ये माइनस टू cos थीटा अपॉन टू, cos थीटा भी कॉमन ले सकते थे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस रूट बाय थ्री cos थीटा अपॉन टू इक्वल टू वन बाय टू sin थीटा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा बच्चे, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस। कितने लोग मेरे से पहले आंसर आ गया था, कितने बच्चों का, काफी लोगों का आ गया था, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, बस एक बार मैसेज में रिप्लाई करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से पहले आंसर आ गया था, मतलब मेरे हेल्प के बिना, जयस का और किसका किसका बताइए बताइए बताइए, मनीष का समझ में आ गया कि नहीं बच्चे, देखो फिर से छोड़ो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सब वैल्यू रखा सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है, साइन को एक तरफ रखा कॉस को एक तरफ रखा और सिंप्लीफाई किया, इट्स रेस्ट ऑफ द कैलकुलेटरी पार्ट। कैसा लगा क्वेश्चन अभी तक का, कैसा लगा कि एमएससीटी में कैसा क्वेश्चन आता है, फीडबैक दीजिए, अभी तक का फीडबैक दीजिए कि एमएससीटी में कैसा क्वेश्चन आता है, चार क्वेश्चन हो गया, फीडबैक दे सकते हैं आप, बताइए बताइए बताइए, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर फोर में बच्चे, किसी बच्चों को डाउट है फोर्थ क्वेश्चन में, सभी लोग रिप्लाई करिए ना प्लीज, हरी अप एवरीबॉडी, मनीष डाउट है बच्चे, नो डाउट एट ऑल, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेटरी पार्ट था, आगे बढ़ एमएसटी सीटी 2018 द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, एमएसटी सीटी 2018
बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन और क्या आंसर होगा। चैतन्य आप टू का मतलब ऑप्शन टू बता रहे हो, ऑप्शन टू। और बताइए और बताइए, अच्छा लगेगा ये, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, मैं सबसे आंसर जानना चाहूंगा। और बताइए चैतन्य, तन्मय ने बता दिया आंसर, एनीबडी एल्स बच्चे फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज हरी अप। एनीबडी एल्स फॉर दिस क्वेश्चन? चेस, और बताइए इतना आसान क्वेश्चन है बच्चे, आप आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज हरी अप। आप लोगों के आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पता चले उदय आपको आंसर आया बच्चे, कुछ भी, मनीष सही, चैतन्य दोबारा कैसे, दोबारा क्यों आंसर, डिसीजन चेंज क्यों हो गया बच्चे? आदिति आप प्रेजेंट है बच्चे, आदिति बच्चे, आर्यन बताइए सभी लोग, दीपाली, जानवी, यस सभी लोग आंसर बताइए बच्चे, वैभव बताओ ना। अरे यार बच्चे जीरो आंसर होगा, जीरो, क्योंकि कॉस वन, कॉस टू, कॉस थ्री, कॉस फोर, कॉस फाइव, कॉस 90, बीच में 90 आएगा, तो समझ रहे हैं कहीं आप, बीच में क्या आएगा, कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन। इतना सोचना ही क्यों है, ये सब प्रोडक्ट में दे रखा है, समझ में आया कि नहीं, ये आपस में सब क्या दे रखा है बच्चे, प्रोडक्ट में दे रखा है। अब प्रोडक्ट में जीरो इंटू एनीथिंग, 10, 20, 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, आंसर क्या होगा, जीरो। अब समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना, जल्दी हाँ या ना बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये चीज सोच नहीं पाए थे क्या आप लोग, मुझे बस जानना है, भूल गए थे क्या बीच में, या कॉस्ट 90 की वैल्यू याद नहीं थी आपको, क्या रीजन था बच्चे, मैं जानना चाहता हूं बस आपसे कि क्यों नहीं ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया, क्या बीच में आपको याद नहीं है, मुझे एक बार बताइए आप थोड़ा सा, क्या रीजन था, आई वुड लाइक टू नो दैट। बताइए कि सर की क्वेश्चन, हाँ मनीष सही है, और बाकी किसी ने, अच्छा 90 के बारे में सोचा ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हाँ 90 cos 90 बीच में आएगा कि नहीं, और cos 90 के बीच में आया मतलब जीरो इंटू एनीथिंग क्या होगा, क्या tan 90 ले लिया, वाह आप तो अलग ही चल रहे बच्चे, ठीक है ना। चले सेकेंड मीटिंग अभी स्टार्ट होगी, आप सभी लोग प्रेजेंट रहिए, कुछ लोग स्किप आउट हो जाते ड्यू टू नेटवर्क, आई नो दैट, ठीक है ना। चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अब आ गया जेई मेंस, जेई मेंस 2013, जेई मेंस 2000, पहले AI ट्रिपल ई होता था, 2013 से ही जेई मेंस शुरू हो गया, 2012 में मैं पास आउट हूं तब तक AI ट्रिपल ई होता था, ठीक है ना। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन जेई मेंस 2013 में आ रखा है, ट्राई करिए, अगले मीटिंग में इसका डिस्कशन करते हैं, तब तक आप ट्राई करिए, कॉपी पेन पे क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेन पे क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी डिड इट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। कॉपी पेन पे कॉपी करिए क्वेश्चन,